हेलो एवरीवन, आप सबका आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रहे हूँ मैगी बॉल्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट भी बन जाती है और टेस्टी भी है बहुत ही। और इसे बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। और ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब है, तैयार करने में भी बहुत ही आसान है। तो इसे तैयार करने के लिए हमें मैगी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मैगी ले लिया, तो 5 रुपये की मैगी है। तो हमने 3 मैगी ले लिया और उसके साथ 3 पैकेट ये मैगी मसाला भी है। और इसे हम एक साइड में रखेंगे। और यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी भी ले लिया कढ़ाई में। और इस पानी में हम इन मैगी को डाल देंगे एक एक कर। तो इसी तरह हम सारे मैगी को डाल देंगे। तो मैगी को डालने के बाद हम गैस पर चढ़ा दिया और इसे हमें 50% तक पका लेना है। तो इसी तरह हम चम्मच से अलट पलट कर कर इसे पका लेंगे। तो आसानी से ये पक भी जाती है कम समय में। तो 2 मिनट के करीब हमने इसे पका लिया और ये बनके भी तैयार हुए। और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में इसी तरह। तो पानी से हमने निचूर कर ले लिया इसे। और यहाँ पर हमने करी पत्ता ले लिया, तो करी पत्ता को भी हमने बारीक में काट कर ले लिया। और करी पत्ता इस तरह से होती है, तो हम यहाँ पर एक तोड़ कर देती हूँ करी पत्ता को निकाल कर। तो छोटी है, तो आधा चम्मच लहसुन हमने डाल दिया, बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दिया और 1 प्याज हमने डाल दिया। तो मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो जो हमने मैगी मसाला ले लिया वो मसाला के 3 पैकेट हम इसी तरह डाल देंगे। तो हमने मसाला डाल दिया और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमने डाल दिया। तो इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। प्याज को मसाला के साथ इसी तरह हम कोट कर ले लेंगे। प्याज में अच्छी तरह से ये मसाला जाए तब भी तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो मिलाना हो गई और अब हम इन मैगी को भी मिला लेंगे। तो मैगी को अच्छी तरह से मिला लेना है हमें, और लंबी है तो इसीलिए हम काट रही हूँ हाथों से। इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम इसी में डाल देंगे ये बेसन। तो 3 पैकेट मैगी हमने ले लिया, तो हम 4 चम्मच बेसन हम इसी में डाल दिया। और इन सबको हम मिला लेंगे। तो ये बहुत ही सूखा लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हमने पानी डाल दिया और इसी तरह हम फिर से मिला लेंगे। तो ये अच्छी तरह से जब मिलाना हो जाएंगे तब हम इसका छोटी छोटी बॉल तैयार कर कर ले लेंगे। तो ये बनके तैयार हुए और इसी तरह हम बॉल्स भी तैयार कर कर ले लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो सारे बॉल्स को हम इसी तरह तैयार कर कर ले लिया। तो ये बनके भी तैयार हुए और इसे हम तेल में फ्राई कर कर ले लेंगे। तो तेल हमने मीडियम गरम कर ले लिया और मीडियम फ्लेम में ही हम इसे पका लेंगे, यानी फ्राई कर कर ले लेंगे। तो इसी तरह हम 2 से 3 मिनट रहने दिया। और 2-3 मिनट बाद हम इसी तरह हिला रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से फ्राई भी हो जाती है और बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगती है इसे तैयार करने में। खाने में तो इसके जवाब भी नहीं है। तो इसे मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट लगती है फ्राई करने में, क्योंकि इसमें बेसन हमने डाल दिया। तो अच्छी तरह से फ्राई भी करना है और इसके कलर भी चेंज होगी और दिखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। और इसे हम प्लेट में भी निकाल लेंगे। तो ये बनके तैयार हुए और दूसरी बेस भी हम इसी तरह फ्राई कर कर ले लेंगे। तो इसी तरह हम एक एक कर डाल रही हूँ। तो डालने के बाद इसे भी हमें अलट पलट कर कर फ्राई कर कर ले लेना है। तो इसी तरह हल्के हाथों से पलट देना है पहले, और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये भी बन के तैयार हुए और इसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट भी बन जाती है ये रेसिपी। और इसे हम सजा रही हूँ टोमेटो केचप के साथ, हम परोस देंगे। तो इसी तरह हम केचप के साथ परोस दिया। और आप चाहे तो कोई चटनी वगैरह के साथ भी खा सकती हो। तो दिखने में जितना टेस्टी लग रही है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है।
यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जब हम नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।